आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कोरोना महामारी से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका और यूरोप के देशों में मंदी की आहट श्रीलंका की खराब हालत के साथ ही एशिया में भी फैल गई है। वहीं बता दें कि ये दावा किया गया है कि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का जोखिम कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है। एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल चीन और जापान पर भी मंदी का खतरा मंडरा रहा है। भारत को मंदी के खतरे से पूरी तरह बाहर बताया गया है। वही बता दें कि एशियाई देशों में मंदी के बढ़ते जोखिम की सबसे बड़ी वजह महंगाई को बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई की वजह से सभी देशों के केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दरों में ताबड़तोड़ वृद्धि कर रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी विकास दर पर पड़ने लगा है। विकास दर की गति मंद पड़ते ही इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं मंदी में प्रवेश कर जाएंगी। इसके बावजूद एशियाई देशों की माली हालत अमेरिका और यूरोप से बेहतर बताई जा रही है। वहीं बता दें एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का जोखिम होने के बावजूद इनकी स्थिति अमेरिका और यूरोपीय देशों से बेहतर बताई जा रही है। वहीं कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और महंगाई से जर्मनी, फ्रांस जैसे देश ज़्यादा परेशान हैं। एशिया में मंदी का जोखिम 20 से 25 फीसदी के दायरे में है। वहीं अमेरिका का इसका खतरा 40 फीसदी और यूरोप पर 50 से 55 फीसदी हो गया है। वहीं यूरोपीय देश इटली में मंदी आने की 65 फीसदी आशंका है। फ्रांस में 50 फीसदी और जर्मनी में मंदी की आशंका 45 फीसदी है और ब्रिटेन पर भी मंदी आने की 45 फीसदी आशंका दिख रही है। अर्थशास्त्रियों के बीच कराए सर्वे के निशेष से बताया गया है कि एशिया महादेश का श्रीलंका अभी अपने सबसे बुरे आर्थिक राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। अगले साल तक यहां मंदी आने का खतरा बढ़कर 85 फीसदी हो गया है। पिछले सर्वे में श्रीलंका पर मंदी का जोखिम 43 फीसदी था। इसके अलावा न्यूजीलैंड पर 33 फीसदी, ताइवान पर 20 फीसदी, ऑस्ट्रेलिया पर 20 फीसदी और फिलीपींस पर मंदी आने की 8 फीसदी आशंका जताई गई है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण कोरिया और जापान पर मंदी आने की 25 से 25 फीसदी आशंका है। वहीं चीन में आर्थिक मंदी आने की 20 फीसदी आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा हांगकांग और पाकिस्तान की इकोनॉमी में मंदी आने की आशंका भी 20-20 फीसदी है। इसके अलावा अन्य एशियाई देशों में मंदी को लेकर मलेशिया पर 13 फीसदी, वियतनाम पर 10 फीसदी, थाईलैंड पर 10 फीसदी और इंडोनेशिया पर 3 फीसदी का जोखिम है। वहीं अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए सर्वे की रिपोर्ट में भारत को आर्थिक मंदी के खतरे से पूरी तरह बाहर बताया गया है। अर्थशास्त्रियों ने यह मंदी की संभावित आशंका शून्य बताई है। उनका कहना है कि भारत एशिया और दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में दिख रहा है। भारत में खुद का विशाल बाजार होने के साथ विनिर्माण और उत्पादन की लंबी श्रृंखला सक्रिय है। वहीं बचत के मामले में भी भारत का रिकॉर्ड सबसे बेहतर बताया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।